सत श्री अकाल जी, पंजाब ग्लोबल मीडिया देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज श्री आनंदपुर साहिब खालसा अकैडमी के संचालक बाबा इंद्रपाल सिंह जी ने जिला कपूरथला के पिंड लखन कलां विखे गुरु महाराज की हजूरी में श्री आनंदपुर साहिब खालसा चैरिटेबल नर्सिंग होम का उद्घाटन किया, जिथे विधायक राणा गुरजीत सिंह जी मुख्य मेहमान वजो पहुंचे और रीबन कट्टन की रस्म अदा की। उद्घाटन समय वख-वख पार्टियां दे नेता अते धार्मिक जथेबंदियां दे आगू भी मौजूद रहे, जिन्ह ने बाबा जी दे इस कदम नूं बहुत ही शलाघाजोग कहा अते हमेशा साथ देण दा वादा किया। आओ सुनते हैं बाबा इंद्रपाल सिंह जी ने श्री आनंदपुर साहिब खालसा चैरिटेबल नर्सिंग होम बारे की कहा। खेत्र दे विच सिक्ख्या दे खेत्र च अपनियां सेवावां निभाईआं होईआं ने, ते आ उपराला करन दा किस तरह मन दे विच आया ते किस तरह तुसीं इस चीज़ नूं निपरे चाढ़िया? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। COVID-19 दौरान जो गरीब लोगों की दशा हुई है उन्होंने देख के मेरे मन में एकदम 3 महीने पहला विचार आया कि मैं सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करके अपने समूह सज्जन मित्र जिन्हें भी ने उन्होंने विचार करके तो एकदम असी इस पासे विचार करके 2-3 महीने के ही असी ये शुरू कर दिता। संगतां दे सहयोग, नगर निवासियों का सहयोग, भैन भरावान का, सज्जना मित्रों का, सारे का सहयोग, जिला प्रशासन का सहयोग, तो होर बहुत सारे जिन्हों के मैं नाम नहीं लै सकता, इन्ना सहयोग मिले मैं कि दिनों में ही सारा तैयार हो गया। तो मेरी कोशिश होगी कि जिन्या भी वध सेहत सेवावान प्रदान कर सकता वध कोशिश करा कि सतगुरु सच्चे पातशाह अंग संघ रहन, तो आए हुए हर मरीज, हर दुखी, हर बीमार इतने जिस तरह भी सेवा हो सके, लंगर पानी द्वारा, दवाइया द्वारा असी सेवा करा। तो सतगुरु सच्चे पातशाह का सिर पर मेरे हाथ रहे, साड़ी कोशिश लगातार जारी रहे सेवावान कर। राणा जी, तुम अज इतने हॉस्पिटल के उद्घाटन समय आए हो, की कहना चाहते हो? बाबा इंद्रपाल सिंह जी लखन के रहने वाले ने और बड़े लंबे समय तो आनंदपुर साहब खालसा मेडिकल चैरिटेबल हॉस्पिटल वह अज उद्घाटन इन्होंने किया। बाबा जी ने मैं बुलाया और समूह संगत आले दुआले के पिंडा की इस इलाके की हमेशा ही बाबा जी ने जुड़ के रही, क्योंकि इन्हों के काम यहोजे आ। शुरुआत इन्होंने की श्री आनंदपुर साहब खालसा ट्रस्ट तो अकैडमी तो उतों फिर वो कॉन्सैप्ट इन्होंने इतने लिया, इतने बच्चों के रहन का, बच्चों के खेडन का, वक्रिया वक्रिया गेम्स उस बच्चों और सिखी का प्रचार भी नाल दी नाल करते, जो सारों वड्डी गल है। तो गुरसिख परिवारों के बच्चे ना केवल इस इलाके के बल्कि समुचे पंजाब तो बाबा जी को आते हैं। बाबा जी निरस्वार्थ ये सेवा कर रहे हैं और चाहे वो विद्या का दान होवे, खेडों के प्रदर्शन करने लिए बच्चों कोचिंग होवे, ते आ हुण मेडिकल वालों तुरे आ, इहदे विच भी मैं समझदा इन्होंने कामयाबी हासिल करनी आ और मैनू खुशी आ। बाबा जी ना मैं जिदन का अज 22-23 साल हो गए कपूरथला मैं इन्हां नाल जुड़िया, भरावां वाली गल आ, ते बहुत एक अच्छा उपराला जिंदगी का इन्हां दा जिहड़ा एम आ, इज नॉट टू मेक मनी या सियासत करना या कोई होर बल्ले बल्ले खट्टण वाली गल, ये गुरु नाल जुड़ के मानवता की सेवा करना चाहते आ। इस मौके पर मैं इन्हों बहुत बहुत बधाई दिना, मालक इन्हों कृपा इन्हें बना के रखे और कामयाबी बख्शे। रणजीत सर, अभी इतने आए हो, की कहना चाहते हो? अज पिंड लखन कलां विखे जो कि श्री आनंदपुर साहब खालसा अकैडमी के संचालक आ बाबा इंद्रपाल सिंह जी, उन्हां वल्लों ते इलाके दी संगतां वल्लों बहुत वड्डा उपराला किया गया कि जिहड़ा कि लोगों वास्ते चैरिटेबल होस्पिटल जिहड़ा कि इत्थे शुरू किया गया, अज उहदा उद्घाटन आ।
गुरु ग्रंथ साहब महाराज प्रकाश किया होया भोग पैण उपरंत उद्घाटन होगी कीर्तन चल रहा। सो मैं समझदा कि जिथे पिंड लखन कला नहीं सारे इलाके इस चीज़ का बहुत ज़्यादा व्डा फायदा होगा। तो मैं समझा जो साढ़े एन आर आई वीर है जो जो दानी सज्जन आ उन्होंने वध चढ़ के इस सेवा हिस्सा पाना चाहिए तो जो इलाके मनुखता की सेवा हो सके। देखो जी साडे लखन कलां लागे लागे सारे पिंडां दी बड़ी खुशकिस्मती है कि जो अज चैरिटेबल हॉस्पिटल आनंदपुर खालसा अकैडमी वालों बाबा इंद्रपाल सिंह जी की सेवा प्रवान हुई है वो आधार पर यह सानू सारिआं नूं ही गरीब अमीर दे वास्ते सारिआं दा ही फायदा है जी। ये होर नवीं ते ताज़ा जानकारियों लिए जुड़े रहो पंजाब ग्लोबल मीडिया चैनल दे नाल। चैनल नूं लाइक ते सबसक्राइब ते बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लो। धन्यवाद, सत श्री अकाल।